इस वक्त की बड़ी खबर केरला से आ रही है, जहां एक 15 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज है, क्योंकि बच्चे की मौत अमीबा से हुई है। जो अमीबा दिमाग खाने वाला है, दिमाग के अंदर पहुंच गया था बच्चे के अमीबा और नाक के रास्ते से पहुंचा था, जिसकी वजह से बच्चे की मौत बताई जा रही है। केरल के अल्पजुपा में दूषित पानी में रहने वाले फ्री लिविंग अमीबा के कारण 15 साल के लड़के की मौत हुई है। आपको बता दें, उसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। इस सबके बाद लोगों को चेतावनी दी गई है कि दूषित पानी से नहाने से बचे, क्योंकि ये अमीबा नाक के जरिए शरीर में घुस जाता है। बच्चे का नाम गुरुदत्त बताया जा रहा है। 1 जुलाई को उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था और बाद में पता चला कि पनावली में एक झरने में नहाने के बाद वह इसकी चपेट में आ गया था। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि अमीबा रुके हुए पानी में होता है और नाक की पतली त्वचा में घुस जाता है। यह कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, ऐसा बहुत ही कम होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक इसके 5 मामले सामने आ चुके हैं। ये अमीबा दिमाग खाने में मशहूर है। मिट्टी और गर्म ताजे पानी जैसे झीलों, नदियों और गर्म झरनों में पाए जाते हैं। आमतौर पर इसे दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है, क्योंकि जब अमीबा पानी नाक में जाता है, क्योंकि अमीबा से युक्त पानी जब नाक में जाता है तो यह ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है। हालांकि दूषित पानी पीने से इसका संक्रमण नहीं होता। फिलहाल इस समय की बड़ी खबर 15 साल के गुरुदत्त की मौत दिमाग खाने वाले अमीबा से हुई। VK News, राष्ट्र के नाम।